बेताल पक्षी सी 14वीं कहानी। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम का एक लड़की थी। वह सुंदर थी, वह पुरुष के भेष में रहती थी और किसी से भी बहस नहीं करती थी, नहीं करना चाहती थी और किसी से भी ब्याह भी नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी, प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकल गया। एक दिन रात को जब राजा भेष बदल कर घूम रहा था तो उसे परकोटे पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरी साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे, उसे बिठा कर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्या आए हो, चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई, अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संजोग से रतनवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इससे साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती ने कहा, पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिंता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांगो। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता से कोई पुत्र नहीं है, 100 वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतन दत्त का कुछ भी भला न कर सका। हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मगन होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति का कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहाँ गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में यह कहानी कथा कही कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।